उपयोग करना चाहिए। जैसे ये दानेदार यूरिया है, जो नया यूरिया है, इनका उपयोग हमें करना चाहिए। नमस्ते किसान भाइयों, हमारे किसान ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम इस यूट्यूब चैनल पर लेकर आते हैं आपके लिए कृषि से जुड़ी हुई योजनाओं के जानकारी, और साथ ही मैं इस यूट्यूब चैनल पर आपको बताता हूँ कृषि से जुड़ी हुई संबंधित लेटेस्ट अपडेट के बारे में जिसका फ़ायदा किसान भाई इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखकर आसानी से उठा सकते हैं। क्योंकि मैं इस यूट्यूब चैनल पर आपको कृषि विभाग की गाइडलाइन के अनुसार पूरी जानकारी देता हूँ, और साथ ही अनुदान कितना मिलेगा, क्या पात्रताएँ होगी और कैसे हम उसका आवेदन कर सकते हैं, सभी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूँ। तो इसी कड़ी में आज मैं लेकर आया हूँ एक नया वीडियो, जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूँ सरसों की खेती में यूरिया के बारे में, कि सरसों में यूरिया कितना उपयोग करना चाहिए उसके बारे में। क्योंकि किसान भाई अधिकतर सरसों में बहुत ज़्यादा यूरिया का उपयोग करते हैं, जिससे अधिक पैदावार तो नहीं होती लेकिन किसान भाई को बहुत आर्थिक नुकसान भी होता है। क्योंकि पौधों को जितनी आवश्यकता होती है उतना ही यूरिया को अवशोषण कर पाता है, और अधिक जो यूरिया होती है वह बेकार चली जाती है। इस कारण से मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार हम यूरिया का उपयोग करना चाहिए, और कौन सी सिंचाई में हमें यूरिया का उपयोग करना चाहिए, और प्रति बीघा कितना यूरिया उपयोग करना चाहिए। तो मैं आज आपको यह पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। तो किसान भाइयों, आप ये देख सकते हैं कि यह जो सरसों की फसल है वह लगभग एक महीने भर की है, इसमें अभी तक एक पिलाई भी नहीं हुई है। सबसे पहले तो किसान भाइयों ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो यूरिया दे रहे हैं वह दानेदार होना चाहिए। जैसे ये दानेदार हैं, बिल्कुल एक पुराना यूरिया हमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि पुराने यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है इस कारण से। और एक जैसे ये जो ढेला बना हुआ है ऐसे यूरिया का भी उपयोग हमें नहीं करना चाहिए, हमें दानेदार यूरिया का उपयोग करना चाहिए। जैसे ये दानेदार यूरिया है, जो नया यूरिया है, इनका उपयोग हमें करना चाहिए। आगे चलते हैं वीडियो में। अब सबसे पहले हम यह जानते हैं कि हमें सिंचाई कितने दिन में करनी चाहिए, क्योंकि सरसों की फसल में लगभग 4 सिंचाई की जाती है, और अगर लगभग 3 सिंचाई में भी सरसों अच्छा उत्पादन दे देती है, लेकिन अगर किसान भाई के पास पर्याप्त पानी की व्यवस्था है तो वह 4 सिंचाई भी कर सकता है। तो हम बात करते हैं कि हमें कितनी सिंचाई किस टाइम पे सरसों में करनी चाहिए। इसमें पहली सिंचाई हमें 25 से 30 दिन पे करनी चाहिए, और दूसरी सिंचाई हमें 50 दिन पे करनी चाहिए, लगभग 50 से 55 दिन जब फूल प्रारंभ हो जाए, और तीसरी सिंचाई हमें फली बनते समय करनी चाहिए, लगभग 80 से 85 दिन पे फली बनते समय हमें तीसरी सिंचाई करनी चाहिए। और अगर किसान भाई के पास पर्याप्त मात्रा में पानी की व्यवस्था है तो दाने जब पकते हैं लगभग 110 दिन के लगभग जब दाने पकने की अवस्था आती है तब हम इसमें चौथी सिंचाई भी हम कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें यूरिया कितनी देनी चाहिए। तो प्रति बीघा की अगर हम बात करें तो लगभग प्रति बीघा में पूरी बुआई से लेकर कटाई तक पूरी फसल की अवस्था में प्रति बीघा में हमें लगभग 20 से 25 किलो यूरिया का उपयोग करना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा यूरिया का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा यूरिया के उपयोग से फसल का ज़्यादा उत्पादन नहीं होता, क्योंकि उससे जितनी पौधों को आवश्यकता है वही यूरिया का अवशोषण करता है, और बाकी यूरिया ऐसे बेकार चली जाती है, तो जिससे किसान भाई को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। 20 से 25 किलो यूरिया हमें एक साथ नहीं देनी चाहिए, यह दो बार में देनी चाहिए, दो सिंचाई में, एक तो फर्स्ट सिंचाई में और दूसरी सिंचाई में हमें देनी चाहिए आधी आधी। यानी फर्स्ट सिंचाई में 10 से 12 किलो यूरिया हम डाल सकते हैं, और दूसरी सिंचाई जब हम करें 50 दिन 50 से 55 दिनों के मध्य, तब हमें 10 से 12 किलो
यूरिया का उपयोग करना चाहिए। और किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि ये पुरानी यूरिया न हो, क्योंकि पुरानी यूरिया में अगर हम पुराना यूरिया का उपयोग करते हैं तो उसमें कई बार उस यूरिया का पाउडर भी बन जाता है, और वह पाउडर अगर उस यूरिया का हम उपयोग करते हैं तो वह पाउडर सरसों के पत्तियों पे ऊपर चिपक जाता है। चिपक जाने से जब हम सिंचाई करते हैं या फिर ओस की बूंदों से वह घुल जाता है और वह पत्तियों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे कई बार पत्तियां जल भी जाती है, तो हमें पुराना यूरिया का उपयोग नहीं करना चाहिए। कृषि से जुड़ी हुई योजनाओं की ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे किसान ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक कमेंट करें, ताकि मैं उन कमेंटों के आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी दे सकूँ। धन्यवाद।